वेलकम सानिका। राइट में देखो, एक ड्रिंक रखी है स्पेशली फॉर यू, ड्रिंक इट। पीछे देखो, आई वॉन्ट टू सी यू इन दैट ड्रेस। कौन हो तुम? देखो, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। अब प्लीज प्लीज सामने आ जाओ। अभी अभी आपने जिस घटना को देखा उसे मानवीय मापदंड पर समझ पाना बहुत मुश्किल है। एक जवान लड़की, मासूम, कुछ रोमानी ख्वाब लिए जिस जगह पर पहुंची, उसे वहां उसके ठीक विपरीत डर और खौफ का सामना करना पड़ा। आखिर कौन था जिसके एहसास ने इस लड़की की चीखें निकाल दी, और आखिर इन चीखों के पीछे वजह क्या थी? नमस्कार, मैं शिल्पा शुक्ला। आज की हमारी महामूवी में एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसे देखने के बाद आप और मैं, हम दोनों ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सत्य है और क्या भ्रम, क्या लौकिक है और क्या अलौकिक, क्या विश्वास है और क्या अंधविश्वास। अगले 2 घंटे तक आप देखेंगे कुछ ऐसी खौफनाक घटनाएं जिन्हें देखने के बाद आपके दिल सिहर उठेंगे, कुछ ऐसे अपराध जिनके पीछे के रहस्य को समझ पाना अपने आप में एक रहस्य है। आज की हमारी महामूवी में हम कुछ ऐसे ही विकृत रहस्य देखेंगे और उनके पीछे की सच्चाई। दी, आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि जीजू को ऐसे शॉकिंग इमेजेस सूझते कैसे? मैं तो खुद ही हैरान हूँ। पता नहीं इनको ऐसी इस तरह की पेंटिंग्स बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, और पता है तुझे इन पेंटिंग्स की कितनी डिमांड है? चलो तुम दोनों की ये मिस्ट्री मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक्चुअली पिछले कुछ सालों से मेरा एक डायन के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता है। वो जितनी खतरनाक है ना उतनी खूबसूरत भी, जितनी क्रूएल है ना उतनी अट्रैक्टिव भी। वेरी फनी एंड नॉट फेयर। आपने दी को डायन कैसे कहा? सॉरी, बेटर बी। वैसे सीरियसली जीजू, आप ऐसी पेंटिंग्स क्यों बनाते हैं? एक्सप्रेशन का अपना अपना जरिया होता है हर आर्टिस्ट का। हॉरर मेरा स्टाइल है, और अपनी इन पेंटिंग्स के जरिए मैं समाज को आईना दिखाना चाहता हूँ। और हाँ, मेरे फैंस को मेरा ये स्टाइल बहुत पसंद है, जैसे कि तुम। वरना इतनी अच्छी अच्छी जगह छोड़ के तुम उस भूतिया बिल्डिंग में क्यों ऑफिस खोलती? वैसे जीजू, हमारी चॉइसेस काफी मिलती हैं। आई स्वेयर, अगर पहले पता होता ना इस सुंदर सुशील डायन को छोड़ के इस चुलबुली चुड़ैल के साथ शादी कर लेता। अच्छा इधर आओ तुम जरा, देख रही हूँ कुछ दिनों से बहुत हल्के में ले रहे हो इस डायन को। एक्सक्यूज मी सर। यस, आपको कस्टमर मिलना चाहता है। श्योर, एक्सक्यूज मी लेडीज। एक्सक्यूज,
तू ना ज्यादा हंस मत। अगर इन तरह की पेंटिंग्स में लगी रहेगी ना तो देखना तेरी जिंदगी में कोई जिन या राक्षस ही आएगा, समझी ना? सॉरी, इस वक्त मेरे पास इतना काम है कि किसी जिन राक्षस के लिए टाइम नहीं। पापा के जाने के बाद सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ रहा है ना। अब आप तो जीजू का हाथ बटाने के लिए बिजनेस से अलग हो गई। नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, बट दी, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं पापा का सपना जरूर पूरा करूंगी। उनके इस बिजनेस को मैं बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सो माय मंत्रा इज वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। वो सब मैं समझ रही हूँ सानिका, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुझे थोड़ा सा वक्त अपने आप को देना पड़ेगा। थोड़ी सी सावधान हो जा, तू बहुत तेज जा रही है। बस करो माते। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, इतनी जल्दी आपको फ्री थोड़ी करूंगी। तो चिल माय स्वीट दी। दी, इट्स टू लेट, सो आई थिंक मुझे जाना चाहिए। आप जीजू को बता देंगे, वरना यू नो हाउ ही इज। बाय, लव यू। जीजू, आप बिना कभी नहीं सुधरेंगे। तू भी तो पागल है, बिना बताए जा रही है। अच्छा ये बता, तू डर कैसे गई? तू भी तो मेरी जैसी है, भूतों से ना डरने वाली और मेरी तरह केयरलेस। ओह माय गॉड, थैंक यू जीजू। इतना टाइम हो गया, अभी तक एक भी अपडेट नहीं है। अपडेट? हाँ जीजू, आज ऑफिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन थी, पता नहीं मेरी टीम ने क्या गुल खिलाया। आई थिंक आई शुड गो एंड चेक, मुझे ऑफिस जाना होगा। इतनी रात गए, वो भी इस हॉन्टेड ऑफिस में? हाँ। जीजू, डेडलाइंस दिन रात नहीं देखती, और वैसे भी आपकी साली हूँ, भूत भूत से नहीं डरती। चल, गुड नाइट। गुड नाइट। रात को कहीं से कोई भी आहट आती है ना, कलेजा मुंह पे आ जाता है। मजबूरी है भाई, पापी पेट का सवाल ना होता तो जान जोखिम में डाल के इस भूतिया मारक की चौकीदारी थोड़ी ना करते। अरे मैम, मैडम नमस्ते। नमस्ते भाई। मैडम का हिसाब किताब कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, एक तो भूतहा बिल्डिंग में ऑफिस, उस पे देर रात तक काम। अरे पागल है और क्या। पता नहीं कब इस बल को ठीक करेंगे। अरे ये लाइट्स क्यों ऑफ है? जीत, पीस्ता, जीवन, शालिनी, कहाँ हैं सब? जीत, तुम लोगों ने जान निकाल दी मेरी। तुम्हारी जान में फिर से जान डाल देते हैं। Congratulations, हम कॉन्ट्रैक्ट जीत गए। पजल बॉय के सारे अकाउंट्स हमारे। What? Oh yes,
और हम सब इस वक्त ऑफिस में सिर्फ तुमसे ट्रीट लेने के लिए हैं। Well, of course, sure. But पहले मुझे ये बताओ कि आज का प्रेजेंटेशन किसने दिया? रिश्ता, जीवन, you can take a bow. Thank you. Well done, guys. Thank you so. Congratulations. Thank you. And जीवन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। Oh, hello. आज की प्रेजेंटेशन का पूरा क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए। लोग जीवन की प्रेजेंटेशन कम और मुझे देख के अपनी आंखें ज्यादा सेक रहे थे। गाइस, दिस एक्चुअली इज अ ग्रेट न्यूज। सो इस खुशी में कल ऑफिस में एक रॉकिंग पार्टी। ओके ओके, इजी इजी गाइस, पार्टी कल है, आज नहीं। ऐसा लग रहा है दीवार पे कोई पॉल डांस कर रहा है। तुम्हारे कान बज रहे हैं? नहीं सर, मुझे बिल्कुल साफ साफ आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है। सर, कहीं इस बिल्डिंग का भूत हमारे वॉशरूम में तो नहीं है? You guys are crazy. तुम्हारी बॉल और ये रही तुम्हारी दीवार। अब खुश? बट सर, डर तो आपको भी लगा था ना। बाहर चलें? चलें? Yes, please. Okay, so now that the suspense is over, तुम सब घर जा सकते हो, but कल की पार्टी के लिए सब टाइम पर आ जाना, ओके? जीवन, तीस्ता, यू बोथ कांट लीव, सॉरी। एक बहुत ही जरूरी काम रह गया है। कल के प्रेजेंटेशन की रिपोर्ट मुझे आज ही तैयार करनी है। मैम, अगर कल करूं तो चलेगा क्या? नो तीस्ता, कल हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स अवेलेबल नहीं होंगे, सो आई एम सॉरी बट यू हैव टू डू इट टुडे। और वैसे भी कल तो पार्टी है ना, तुम्हें तैयार होने के लिए भी तो वक्त चाहिए। एंड जीवन, जस्ट हेल्प हर आउट ताकि yeah. जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार हो सके। ओके ओके। हे गाइस, हाउ इज इट गोइंग? गुड गुड। हंग्री? कुछ खाने को लेकर आऊं? नहीं नहीं, डोंट बॉदर, हम लोग कुछ मंगा लेंगे, है ना? या मंगवा लेंगे। यू गाइस नो ना, पिज्जा डिलीवरी बॉयज हमारी बिल्डिंग में रात को डिलीवर नहीं करते। सो यू गाइस कंटिन्यू, मैं कुछ लेकर आती हूं। ओके एंड डोंट वरी, आई विल गेट समथिंग नाइस। थैंक्स, आई विल ओपन इट देयर। मैंने बजट्स भेजे तुम्हें, जस्ट चेक इट, मैं वॉशरूम हो गया था। What? तुम मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो? अब वॉशरूम तो नहीं लेके जा सकता ना साथ में। I'll just be back. Oh.
All okay? What happened? वो चेयर अपने आप मूव कर रही थी। ये जगह something is wrong. दीस्ता nothing's wrong. अरे तुम पहले से ही घबराई हुई थी तो तुम्हारा कोई वहम होगा। Calm down. Nothing's wrong. नहीं जीवन, कोई वहम नहीं है। मैंने खुद देखा अभी वो चेयर। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। ओके calm down. मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी एब्सेंस का अच्छा फायदा उठाया जा रहा है वैसे। नहीं मैम, आपने गलत समझ रहे हो। किसी ने इस जगह के बारे में बिल्कुल सही बोला था। भूत है यहाँ पे मैम। मैंने उस चेयर को अपने आप मूव करते हुए देखा है। ओके प्लीज़ रिलैक्स, काम डाउन ऑलराइट। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भूत नहीं है यहाँ। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। अच्छा मैं अभी अकेली जाकर हम सबके लिए कुछ लेकर आई खाने को। कुछ हुआ नहीं ना? मैं भी वही समझा रहा हूँ ना, यहाँ कुछ नहीं है। अरे मैम, भूत बिल्डिंग में है, हमारे ऑफिस में है, बाहर नहीं है। अच्छा हमारे ऑफिस में भूत है ना? कल हम पार्टी कर रहे हैं, हम पार्टी में इतनी धमाल करेंगे कि अगर कोई भूत जिन कुछ हुआ भी ना तो हमसे परेशान होकर भाग जाएंगे। ओके दैट्स द स्पिरिट। नाउ कम ऑन, लेट्स गेट बैक टू वर्क। कम, I'll get this for you guys. Cheers. Cheers. I'll be back. Hello? Kya yahan akele kyun baithe ho? मैं डांस नहीं करता। डांस नहीं करता मतलब आई डोंट नो हाउ टू डांस। उसमें करना क्या होता है? हाथ पैर हिलाने, कमान आ दीजिए, कमान कर। मैं उसे नहीं करना तो फिर जिद क्यों कर? हां मैं। अरे ऐसे कैसे, ही इज ड्रैग द डील फॉर मी, ही हैज टू सेलिब्रेट। कमान डांस। यस हियर यू गो। राइट लेफ्ट यस डन। या देयर यू गो। Sorry. It's okay. Happens. No problem. Let's try again. Welcome, sir. Welcome, ma'am. Thank you. How are you? Good. Oh, I must say, मैं आपकी पेंटिंग की बहुत बड़ी फैन। Thank you. Wow. अभी आए हुए देर नहीं हुई कि तुम्हारे फैंस की लाइन लग गई। अच्छा सानिका कहाँ है? मैम इज देयर। या शी इज देयर। हे जीत। हे हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई वाज गुड लेकिन अभी नहीं। क्यों, क्या हुआ? मेरे जीत के होते वो उसके साथ क्यों नाच रही है? जीवन के साथ क्यों नाच रही है? करना पड़ता है ऑफिस में सभी को खुश रखने के लिए, ये सब करना पड़ता है। मैंने तो आज तक ये सुना था कि एम्प्लॉइज अपने बॉसेस को खुश करने के लिए ये सब करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। खैर मुझे भी कुछ बहाने जाना है। आई जस्ट गो टू द वॉशरूम एंड कम। बहुत ही सिक सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा। सो हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गुड। पर आपको लग रहा होगा ना कि मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिए और कदम लड़खड़ाकर आपके ऊपर गिर गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि मैं पहली नजर पे आप पे फिदा हो गई थी और एक रात बिताने के लिए तरस रही हूँ। What? कह लेने दीजिए मुझे। ये सब बातें मैं होश में रह के नहीं कह पाती।
इसलिए मैं दोषी का सहारा ले रही हूँ। तंग आ गई हूँ मैं अपने बॉयफ्रेंड से। क्या मुझे हक नहीं है कि मुझे भी एक अट्रैक्टिव आदमी का प्यार मिले? एक रात के लिए से जो मुझे अपनी बाहों में भरकर एक औरत होने का एहसास दिला पाए। किसका? तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है। हाँ बहुत ज्यादा पी लिया है मैंने, और अब मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। देखो मैं वॉशरूम में तुम्हारा इंतजार करूंगी रोहन। जी मुझे मालूम था तुम यहीं पे मिलोगे। और क्या 24 घंटे तुम अपने फोन के साथ चिपकी रहती हो? मैडम सोसाइटी यहाँ पे, और तुम सोशल नेटवर्किंग के लिए इस वर्चुअल वर्ल्ड का सारा लेती हो। कभी हमारा भी ध्यान रखा करो। ड्रिंक लोगी? श्योर, आई लाइक दैट। थैंक यू। चीयर्स। जीत, ये क्या है? Will you marry me? जीत, get up. उठो। I really like your gift. It's nice and everything is very sweet. But जीत, मैं इस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं हूँ कि मैं लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले पाऊँ, यू नो। और ऑनेस्टली पता नहीं कब ले पाऊंगी। सो नथिंग पर्सनल, ओके। डू यू थिंक तुम मेरे लिए साल दो साल वेट करना चाहोगे? आई होप यू अंडरस्टैंड जीत। अपनी मदहोशी का पूरा फायदा उठाना चाहती हो तो क्लिफ्टन कॉटेज में आ जाओ। वेलकम, मेरी छोटी सी हसीन दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। I am impressed, रोहन। Waiting for you upstairs. ये स्टाइल और ये एडवेंचर तो मैं मिस कर रही थी रोहन। एडवेंचर में मैं तुमसे कम नहीं हूं रोहन। रोहन अब सामने भी आ जाओ। कम ऑन रोहन। जब मैं नहीं शर्मा रही हूं तुम किस लिए शर्मा रहे हो? रोहन, रोहन।
कहाँ हो तुम? रोहन, रोहन, क्या हुआ रोहन तुम्हें? रोहन ये क्या कर रहे हो? देखो अब सामने भी आ जाओ। कहाँ हो तुम? ओह नो पुलिस। Let me handle this, guys. Officer, we really sorry. Actually, हम पार्टी बस बंद ही करने वाले थे कि इस लड़की को किसी ने देखा है? कोई जानता है इसके बारे में? Yes, officer. ये तीस्ता है. मेरी ऑफिस में काम करती है. In fact, यहीं पर है. एक मिनट. तीस्ता? तीस्ता? रहने दीजिए मैडम, ये लड़की इस पार्टी में नहीं है। जी पार्टी में नहीं है मतलब कहाँ है? थोड़ी देर पहले बाहर कुछ ही दूरी पर जंगल के रास्ते में हमें इसकी लाश मिली है। हाउ इज इट पॉसिबल ऑफिसर? वो अभी तो कुछ देर पहले हमारे साथ इस पार्टी में थी वो। और यही होगी कहीं वॉशरूम के आसपास होगी लाश मिली। यही तो पता करने में आया यहाँ पर। बड़ी ताज्जुब की बात है, ये लड़की यहाँ से बाहर चली गई और किसी ने इसे देखा तक नहीं। बाहर नहीं इंस्पेक्टर सर, मैंने देखा है। मैंने टिस्टा मैडम को बाहर जाते हुए देखा था। वो जब बाहर जा रही थी मैंने उन्हें आवाज लगाई, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसी चली जा रही थी जैसे कि खींची चली जा रही हूँ। क्या मतलब है आपका? मतलब सर कि इस बिल्डिंग में भूत है और मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। क्या बेकार की बातें हैं, कोई भूत वूत नहीं है, वो यहीं पे होगी। मैम आप भी जानती हैं कि इस बिल्डिंग में भूत है, हमने भी अफवाह सुनी है। आप सबको क्या लगता है इस लड़की की हत्या के पीछे उसी भूत का हाथ है? और उसी भूत ने इस बेचारी को धोखे से बाहर बुलाकर उसकी हत्या कर दी और बिना टाइम वेस्ट किए उसने हमें इन्फॉर्म भी कर दिया। पुलिस के सवालों ने जैसे सबको खामोश ही कर दिया। आखिर तिस्ता के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? किसने इतने अमानवीय तरीके से उसकी हत्या की और क्या राज छुपा था उसकी मौत और उस बंगले के पीछे? क्या तिस्ता की मौत अलौकिक घटना थी? ऐसे कुछ सवालों के जवाब जानना अब सबके लिए एक चुनौती था। ये क्या है यहाँ पे? इसी के वजह से यहाँ पे नेगेटिविटी छाई है। इसे अभी यहाँ से निकाल दो। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? ये मेरे कलेक्शन है, हाउ डेयर यू टच देम? और आप ये है कौन और बिना मेरी परमिशन के किसने बुलाया इन्हें? मैंने बुलाया उन्हें, जरूरी है सनिका। चीजू प्लीज मना मत करना। तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम्हारे एम्प्लॉइज को इससे ताकत मिलती है। जरा देखो इनकी तरफ। ठीक है, जैसा आप सही समझे। मैम अब तो सब ठीक हो जाएगा ना? मैंने अपना काम कर दिया है, अब सब तुम्हारे ऊपर है। हो गया ना आपका काम? थैंक यू वेरी मच। संभल के रहना सनिता, टेक केयर, सी यू। ओके गाइज, इनफ ड्रामा फॉर द डे। मैं और जीत आज आप सबके प्रोजेक्ट्स अप्रेज करेंगे। आधे घंटे का टाइम है आपके पास, सो गेट बैक टू वर्क। थैंक यू, जस्ट सेंड द नेक्स्ट पर्सन इन प्लीज। What the hell is happening, Jeet? ध्यान कहाँ है सबका? ये
ये प्रेजेंटेशंस हैं उनके, बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स भी इससे ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं। जस्ट रिलैक्स, कोई दो दिन और बचे और उन्हें तुम्हें अकेले ही झेलना होगा, बस मेरी एक मीटिंग एंड आई एम गेटिंग लेट, सो सी यू। या वेलकम बैक। मुझे पता था तुम दोबारा जरूर आओगी, मुझे जाने बगैर तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। अच्छा, ये चुप चुप के सिगरेट पीना कब बंद करोगी? ये तो शुरुआत थी, इसके बाद आए दिन सानिका को उसकी सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर इस तरीके के मैसेजेस आते रहे, मैसेजेस जो कि बहुत ही व्यक्तिगत थे, लेकिन मैसेजेस भेजने वाला कौन था इस बात का पता नहीं चल पा रहा था। सानिका घबराई हुई थी, थोड़ी हैरान भी कि आखिर ये कौन है जो उसकी जिंदगी के तमाम राज जान चुका है। उसने अंत में अपनी बहन मोनिका से बात करना उचित समझा। जैसे मेरी मान ना, तो इन मैसेजेस को थोड़ा अवॉइड कर, और ये जो तेरी सोशल नेटवर्किंग साइट है ना, उससे भी कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले। यू नो तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या है प्रॉब्लम? लोनलीनेस, अकेलापन, और इस तरह से काम करने से या अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे बैठे रहने से या फिर चैट करने से ये नहीं जाता है। जागो, उठो, मीट पीपल, और अगर इस तरह से ये तुम अपनी ये सोशल नेटवर्किंग साइट पे बैठी रहोगी ना, तो तुम्हें इसी तरीके के इंसान मिलने वाले, डेविल शेविल टाइप्स। गॉड, सुनने से ही लगता है कि किसी शैतान की औलाद। आ जा बैठ। वैसे जीत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? मतलब तुम लोगों का प्रोफेशन भी सेम है और लाइन भी सेम है, मुझे लगता है अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो तुम दोनों। लाइफ पार्टनर? Oh, my sweet. Okay. I know Jeet is a nice guy. He is. But I'm not ready yet. And I know you might not like this, but उस devil वाले बंदे में ना कुछ बात है। He's got that style. वो जिस तरह से मुझे woo करने की कोशिश कर रहा है, it's very hello. इसे वू करना नहीं कहते, इसे स्टॉक करना कहते हैं, और आम तौर पे ये खतरनाक इंसान की निशानी होती है, समझी तू? चाय पियो। गाइस, हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं इस कैंपेन को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट बोर हो रही हो? नहीं, तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और अगर मैं तुम्हें पसंद ना करूं तो कैसे ना पसंद करोगी? मैं वो हूं जो तुम्हारी सांसों में है, मैं वो हूँ जो तुम्हारी धड़कनों में समाया है, मैं वो हूँ जो तुम्हारे दिल के भीतर छुपे डर में रहता है, और वो डर तुम्हें मेरे और करीब लाता है। अब तुम्हारे माथे पर बल पड़ गए है ना? अब तुम सोच रही हो कि मैं सब कैसे जान लेता हूँ,
मुझे यहाँ वहाँ मत ढूंढो, तुम्हारे दिल के भीतर छुपा हूँ मैं। तानिका, so what do you think? Nice, it's nice. Carry on. एक्टिंग अच्छी कर लेती हो। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्या चाहते हो? तुम हो कहां? या तो सामने आओ या फिर समझ लो कि ये मेरा आखिरी मैसेज है। सामने तो मैं तभी आऊंगा जब तुम मेरे लिए अपने प्यार का इजहार कर लो। नामुमकिन, मैं ऐसे किसी से प्यार नहीं कर सकती जिसके होने का भी मेरे पास कोई सबूत ना हो। ठीक है, तो मैं अपने होने का सबूत देता हूं। आई एम वेटिंग। बहुत जल्द तुम्हारे आसपास कुछ गिरने वाला है। काउंटडाउन शुरू कर लो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टॉवल पहन के जब बाहर आती हो मेरी सांसें थम जाती हैं। Who's that? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? Watchman! Watchman! जय सिंह! जय सिंह! जी मैडम। जयसिंह, अभी यहाँ कोई आया था? यहाँ कोई नहीं आया मैडम अभी। पक्का? जी जी। ठीक है, तुम जाओ। यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रही हो मुझे? मैं तो तुम में हूँ। मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। बिकॉज आई लव यू, आई लव यू। और तुम चाहे जितना भी इनकार करो, सच तो ये है कि यू लव मी। धीरे धीरे सानिका इस चैटिंग की आदी होती जा रही थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाती। थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में अपना अकाउंट चेक करती कि कोई मैसेज आया कि नहीं। मैसेज नहीं आता तो बेचैन हो जाती। वो समझ भी नहीं पा रही थी, लेकिन अनजाने में वो फंसी जा रही थी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये था कि कैसे कोई सानिका के हर पल हर लम्हे से वाकिफ था। क्या सच में कोई 24 घंटे साए की तरह उसकी जिंदगी पर नजर रखे था? कौन था इन सब हरकतों के पीछे? मान क्यों नहीं लेती कि तुम मुझे चाहने लगी हो? नो। तुम्हारी ना में हाँ है ना? मैं जानता हूं तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, पर मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा हाँ कहने के लिए। हेलो, Where the hell are you, Sanika? तुम हो कहाँ? इतनी देर से मैं तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पर लैंडलाइन कोई उठा नहीं रहा है। तुम कर क्या रही हो इतनी देर तक ऑफिस में? दी, ब्रीद। एक सेकंड में इतने सारे सवाल। मैं
मैं ऑफिस में हूँ, चैट कर रही हूँ। तुम चैट कर रही हो इस वक्त इतनी रात को? देखो अभी के अभी सब कुछ बंद करो और निकलो वहां से, और अगर तुम नहीं उठी ना तो मैं वहां पर आ जाऊंगी। समझ में आ रहा है तुम्हें? सब कुछ बंद करो और निकलो वहां से इमीडिएटली। ओके ओके दी, रिलैक्स, मैं जा रही हूँ। आई एम लीविंग। ओके बाय। Profile does not exist? ये कैसे हो सकता है? इसी प्रोफाइल से तो वो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। Not again. I hate this lift. Security? कोई है? Help! मैं हूं ना, क्यों घबरा रही हो? तुम्हारी एक हाँ की देर है बस, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास आना तुम्हारी मजबूरी ही नहीं, तुम्हारी नियत ही है सनिका। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? सवाल नहीं, मुझे जवाब चाहिए, वो भी हाँ में। कह दो कि तुम मुझे चाहती हो। Tell me you love me.